हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा गला फिर ख़राब, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा गला ऐसे ही ख़राब हो गया, ठीक है ना, कुछ ऐसा गलत काम नहीं करे हुए मैंने। तो मैं ये बोल रहा था, व्हाट्स अप विद योर बॉय हनी बॉय। कोई जानने वाला खास मेहमान आ रखे भाई, आपको तो पता ही है। अगर आप लोग कोटद्वार से हो मेरे भाई लोगों, तो आप लोगों को पता होगा कि कौन आ रहा है, आने वाला है, मतलब आ चुका है। आज एक भैया आने वाले हैं, इधर ही कहीं पर रुक रखे होंगे। कहाँ पे है यार ये भैया? इन्होंने बोला कि पेट्रोल पंप पे हम वेट कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पे कहाँ पे वेट? ये रहे। हेलो 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 गाइस, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भैया? और हेलो 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 भैया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी लेट कर दिया आपने आने में। अरे लेट लूट कुछ नहीं, वो जरा दोस्त लोग आ रखे थे, तब उनको थोड़ा टरका रहा था मैं, हो रहा जरा रुक जाओ अभी आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। हैं खाने के लिए? इधर की साइड, हाँ बढ़िया एकदम मस्त है, थोड़ा ही दूर है बगल में। और आपको पता ही होगा, जब हम कोटद्वार गए थे तो कोटद्वार में इन्होंने कितनी हेल्प करी थी हमारी, जब हमारा मीटअप वगैरह ये सब चीज़ें हुई थी, तो सारा का सारा जो भी अरेंजमेंट थी वो सब इन भैया ने कराया था, मनीष भैया ने। और आज इनका बर्थडे है, तो आज हम चलेंगे इनको अपने यहाँ के सबसे फेमस पराठे वाले पे। आज शाम का भी वैसे कुछ और प्लान है मेरा, पर देखते हैं अभी क्या मेरा क्या प्लान बनता है। यहीं पे भैया, बस इधर ही लगा दो, कहीं पर भी नहीं, कहीं इधर किनारे लगा दो, ये वाला सामने भट भोजनालय। ये देखो भाई लोग आ रखे सारे भैया लोग, थोड़ा इनका अभी यहाँ पर लंच वगैरह चलेगा। ये भैया लोग मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। ये बोल रहे चलो जल्दी से हमारे साथ, तुम ना चलो, 5 मिनट पहले प्लान बनाया, बताओ इन्होंने। लड़ाई चल रही है, शर्मा नहीं, अरे दिमाग काम नहीं कर रहा भाई। प्लान देख रहे हो, प्लान 2 मिनट में, मतलब अभी पराठे खाने गए, पराठे खाते खाते प्लान बन गया, हम जाएंगे चौकता, सब भैया लोग जितने भी है। चलो 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 चलो, क्या हाँ KTM के लिए फिर घर जाओ, फिर घर थोड़ा ऊपर पे है। जब भी आप यहाँ जाओ, ये ऊपर की साइड का भी इस गढ़वाल के रीजन में, तो UK 11 वाली गाड़ियों से थोड़ा संभल के रहना, ये बहुत रैश चलाते हैं, बहुत रैश, बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर पीली नंबर प्लेट टैक्सी वाली अगर दिखी, तब तो दूरी हट जाना, तब तो गाड़ी रोक देना साइड में। आप पागलों की तरह भाई, पागलों की तरह, क्योंकि ऊपर वैसी रोड है ना, पतली रोड, उनको वहाँ की आदत और की है, अब वो खुली रोड देखते तो फुल थ्रॉटल दे देते एकदम। रुकना है यहाँ पे, और ये देखो ये सारे भाई लोग तो आ रखे हैं कोटद्वार से, बजरंगबली के दर्शन कम करके आ गए भाई, तो सिद्धबली जी से होके आ गए। और ये धारी माता का मंदिर हमारे घर से नज़दीक ही है, सिद्धबली माना जाता है हमारे यहाँ, धारी देवी दर्शन कर दिया सबने, और यहाँ से निकलेंगे हम धारी देवी से, यहाँ से 88 किलोमीटर है अभी बचा हुआ। असली में उसका नाम यही है, मिनी गोवा बीच, हाँ इसका नाम भी आप मैप्स में देखोगे, मैप्स में भी मिनी गोवा बीच आएगा। क्या करें भैया, गरीब लोग, कैसा है ये रास्ता देखो, कोई कर ही नहीं पा रहा है इसको, हर बार लैंडस्लाइड होती रहती है जब भी बारिश हो, बहुत ट्राई कर रखा। आपको क्या लग रहा है ऐसा था? ये तो बहुत सही है अभी इस टाइम पे, ये देखो ये अभी का लैंडस्लाइड हो रही है, देख रहे हो, इस पे तो ये लगा लो, ये देखो ये जाली जुली सब लगा के देख दिया, और यहाँ देखो ये नॉर्मल, बस इसके चक्कर में ये पूरा का पूरा ये नया प्रोजेक्ट बना। भंडारी जी की गाड़ी के पीछे दिल लगे, बड़े रोमांटिक किस्म के इंसान हैं। तो यार देखो अभी हम पहुंच चुके हैं खागरा, श्रीनगर से मतलब 16 या 20 किलोमीटर करीब दूर है, और यहाँ पे हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त रहती है, पता नहीं किधर रहती होगी, पर कौन रुकेगा यार अभी, क्योंकि अभी भैया लोग भी हैं मेरे साथ, अगर नहीं होते तो मैं रुकता हूँ उनके लिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सब दोस्तों से मिलना एक कर्टेसी होती है, कॉमन कर्टेसी होती है सबके, ठीक है, अनलेस और अनटिल किसी को लेट ना हो रही हो, क्योंकि हमें शाम से पहले पहुंचना है, धूप भी कम हो गई देखो, और फिर थोड़ी देर में ठंडा लगना लग जाएगा, तो इसलिए हमें जाना पड़ रहा है।
और ये देखो सामने रुद्रप्रयाग, हम कट गए अभी बाईपास के लिए, जो ये केदारनाथ वाला है, ये केदारनाथ वैसे केदारनाथ बाईपास बोलते हैं इसे। चलो चलो भयंकर टनल कहाँ कहाँ से निकाल रहे ये कौन सी टनल है वे? अच्छा ये रास्ते की टनल है शायद से। हाँ हम अगस्त मुनि पहुँच चुके हैं, जल्दी पहुँच गए यार उस हिसाब से काफ़ी, क्योंकि ठीक ठीक चल रहे हैं, हम कहीं पर रुके नहीं उसके बाद। तो जैसे भैया का बर्थडे है ही, तो अभी हम यहाँ पे बेकरी ढूंढ रहे हैं। भाई लोग बेकरी कहाँ पे है? बेकरी आगे पे किसके पीछे? अच्छा चलो ठीक है। और भैया सही है सब? केक वी वॉन्ट केक। तो यार देख रहे हो प्लान कैसे बनते हैं। 10 मिनट पहले कॉल आई भैया की कि ये पराठे कहाँ मिलेंगे अच्छे, पराठे खाने बैठा मैं भी और एक पराठे बिक गया। मतलब बिका क्या यार, भैया का बर्थडे था अब तो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और वैसे ही मनीष भैया की बात थी यार। चलो भैया, अच्छा क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पे, नाइस। गाँव में यही चीज़ तो मस्त होती यार। मतलब देख रहे हो उस साइड नदी है, मज़ा ही अलग है यार इन चीज़ों का। भैया की डिमांड थी कि ड्यूक लेकर आनी थी, पर ऐसी अगर रोड हो तो ड्यूक से बेटर तो रॉयल इनफील्ड ही है यार, बुलेट वगैरह। कितने आराम से जा रहे हैं हम, कितने आराम से, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं हो रही इन जैसी रोडों में भी। और ये देखो जहाँ पर से डिवाइड होते हैं रास्ते, इधर केदारनाथ उधर तुंगनाथ। पी ब्रेक यहाँ पर देखो, पता नहीं किसने यहाँ पे भी ऐसी टॉयलेट कर रखी हो काली। वही तो देख रहा, इतनी तेज धार किसने मारी। तो टीनी चला दिया, एसिड अटैक कर रहा था भाई। चलो जी हमारा पी ब्रेक भी हो गया कंप्लीट, अब यहीं ऊपर पे बस उखीमठ है। उखीमठ पे थोड़ा सा रुक के कॉल करेंगे जिन भैया के हमने स्टे में जाना है, एंड देन सीधे हम जाएंगे किधर, चोपता की तरफ। चोपता तो अंधेरे में पहुंचेंगे, सुबह दिखाएंगे वैसे तो हम आपको, जितने भी है सबके सब। हम आराम से चल रहे हैं, अभी कितना अच्छा लग रहा ना है वह, शाम के टाइम पे बेस्ट है। अगर वीडियो फोटो के हिसाब से देखना है तब बढ़िया है, रील भी अच्छी बनेगी। टिप्स देखो, इतनी ज्ञान की बात है, टूरे बता रहे हैं हम आपको, बताओ। अगर आपको रील बनानी है तो ये सबसे बेस्ट होता है, गोल्डन आवर होता है, जो गोल्डन आवर ऐसे नहीं कि टाइम के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि सीजनल चेंज होता रहता है गोल्डन आवर। तो जब भी आपको ऐसा ऐसा दिखे, मतलब गोल्डन आवर मीन्स कि अभी देखो सबके सब चीज़ें ऑरेंज येलो गोल्डन वही सब हो रही है, तो बस इसी को गोल्डन आवर बोलेंगे। वैसे तो जो मोस्ट प्रोबेबली टाइम होता है वो होता है 4 से लेकर 5 बजे के बीच में, एंड समर में वो थोड़ा बढ़ जाता है वो की मट। अब यहाँ पर रुक के थोड़ा कॉल वगैरह लगाएंगे भैया, व्लॉगिंग। हम उनका व्लॉग, वो हमारा व्लॉग बना रहे हैं यहाँ पे। अभी आप लोग देख सकते हो जो ये पेड़ है सारे वाइट हो रखे हैं, ये ऊपर से इन पर आइस जमी हुई है, और अभी थोड़ा ऊपर जब हम जाएंगे तो आपको दिख जाएगा बर्फ़ पड़ी हुई, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा ऊपर यहीं पर पड़ गई बर्फ़। देखो चोपता ओनली 12 किलोमीटर, पर हम पूरा चोपता नहीं जाएंगे, तो चोपता से 6 किलोमीटर पहले हम एक जगह जाएंगे जिसका नेम है दुगलबिट्टा। तो यार ये देखो शायद से ये हमारा कैंप, बोलो तो यहीं था माउंटेन डेलाइट। भैया आगे निकल गए शायद, भाई ब्रेक भी नहीं मारे जा रहे यार भैया अब तो। ऐसा हो गया, ये ग्लव्स है ही साले बेकार इन चीज़ों के लिए। और भैया की तलाश में हम फिर दोबारा से चल पड़े हैं, भले ही कैंप हमारा वहाँ पर है मुझे जहाँ तक लगता है, पर भैया आगे निकल गए इसलिए उन्हें पहले पकड़ के और यहाँ लेकर आना पड़ेगा हमको। और ये देखो भैया ने मुझे 2 ग्लव्स दिए और दोनों के दोनों सेम हाथ के, तो ऐसे कौन रखता है ग्लव्स ये बताओ, दोनों सेम हाथ के ग्लव्स। पर खैर कोई बात नहीं, ठंड तो बच रही है मेरी ये साथ में, ये वाला हाथ तो ऐसा है कि गियर मार के अपना हाथ पीछे भी कर सकते हैं हम। हाँ कितना अच्छा लग रहा है अब, एकदम गर्म देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कंबल ओढ़ के चल रहा हूँ। मैं अभी बता नहीं वाला था आपको, यहाँ पे गाय वगैरह बहुत मरी हुई रहती है, अभी वो नहीं है वो। देखो पता है कौन आते खाने के लिए, गिद्ध आते हो गिद्ध, और भी पता है कैसे बड़े बड़े एकदम। भैया ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हमारे साथ के तीन बाइक और थी, कैंप पीछे था। हाँ तभी तो रुक रखे थे हम। आप ज्यादा जोश में आ रखे हो, गर्म खून। भैया को भी ढूंढ लिया था,
अब यहाँ से बस हमारा कैंप जो है वो एक मोड़ पीछे ही है, हम थोड़ा जो जोश में आगे पहुँच गए ना, अब बस वहीं जाएंगे। और पहले तो वहाँ आग के अंदर हम भस्म होने वाले हैं जितने भी लोग हैं। हाँ ऊपर वाला, यहाँ से 300 मीटर ऊपर। सभी को अपनी गाड़ियों से बहुत प्यार है, इसलिए जितना अंदर से अंदर हो सके उतने अंदर घुसाएंगे गाड़ी को, मतलब पार्क करेंगे गाड़ी को, सॉरी रॉन्ग वर्ड, घुसाएंगे, थोड़ा डबल मीनिंग हो जाता है। ये सही है भाई, कैंप के लिए 300 मीटर ट्रैक करना पड़ेगा अभी हमें यहाँ से। 300 मीटर ट्रैक करके ये रहा हमारा कैंप। जगह तो बहुत अच्छी है यार, बर्फ है मेरे। अभी हमको ढूंढना है भुप्पे भाई का कैंप कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई आदमी तो दिख नहीं रहा और कैंप पे बहुत सारे हैं, तो हम ढूंढेंगे कौन सा है वो कैंप। ये देखो यहाँ पे नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं आ रहे, उम्मीद में है कि थोड़े एक दो नेटवर्क गलती से भी आ जाए। वो देखो वो है हमारे कैंप, और ये देखो भैया केक कह रहा भैया, 1 से 2 तो हो जाए पहले, तो 5 तो बाद में होंगे। केक कटिंग दिखाते हैं अभी आपको, भैया का बर्थडे था वैसे भी, सबके सब विश कर लो भैया को, हैप्पी बर्थडे लिख दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, मनीष भाई को। और ये देखो यहाँ पे हमारा डिनर होगा, और अभी यहीं पे हम डिनर करेंगे इधर ही। बॉनफायर में रोटी सिक रही हमारी अब। फुल पार्टी सेलिब्रेशन देखो यहाँ पे, ये देखो अभी क्या मस्त चल रहा है यहाँ पे, पूरा पार्टी वाला फील आ रहा है। अंकल यहाँ पे टेंट टेंट के मतलब जो देखने वाले केयरटेकर होते हैं, ये देखो ये अंकल जो यहाँ के केयरटेकर है वो भी हमारे साथ हमारे बीच में आके डांस कर रहे हैं, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। ये पीछे देखो मतलब धूप तो आई नहीं अभी, ठंडा बहुत हो रहा है, पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट फिर उसके बाद होंगे हम रेडी, उल्टा सिस्टम है थोड़ा। ये देखो ये थे हमारे कैंप, और ये पूरा एरिया देखो अलग अलग कैंप्स है यहाँ पे, यहाँ पे भी कैंप है। और दो भाई लोग पहले ही निकल गए क्योंकि उन्हें लेट हो रही थी, मतलब घर से बुलावा आ गया था। और अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, पराठे लग चुके हैं, ये देखो लग गया ब्रेकफास्ट। रात को तो बढ़िया था यहाँ पे सीन, बहुत एंजॉय करा खूब एंजॉय करा, डांस वगैरह करा, और जो कैंप वाले भैया थे उनको भी नचा दिया हमने अपने साथ। ये देखो पूरी कैंप साइट देख लो आप, क्या सही लग रही है यार। अगर आप लोगों को भी आना होगा तो यहाँ रुक सकते हो, यूज कूपन कोड मनीष50। एक सीन हो गया, मतलब हम लोग वहाँ से आ गए अपने कैंप वगैरह साइड से, पर किसी ने भी एक फोटो नहीं क्लिक करी। चलो कोई नहीं, अभी हम वैसे भी चौकता जा रहे हैं, चौकता में देखते हैं। तो गाइज यार देखो कैंप से हम ये चीज़ चोरी करके आ गए हैं, पता नहीं किसके ग्लव्स पड़े हुए थे, पर फिर फ्री फोकट में बैठ के नीचे से ये मिल गए। और वैसे भी मुझे ग्लव्स की बहुत ज़रूरत थी, कितने सही है, मोटे मोटे गुदगुद एकदम, और दूसरे ग्लव्स तो थे ही पहले से। और यहाँ देखो प्रिपरेशन चल रही है, बैग बन रहा है, बस हमारा तो पूरा सब कुछ रेडी है, कुछ नहीं, बाइक स्टार्ट करनी है और निकलना है। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर ऊपर जाके है चोपता, और वहाँ जाएंगे थोड़ा सा घूमेंगे फिर सीधे नीचे। देखो सबके सब कैसे आ रहे थे प्रिपरेशन, बैग बंजी कॉर्ड पूरा अलग लुक है, मुझे देखो कुछ भी नहीं। 5 मिनट पे एक पराठे पे बिका, प्लान बना अब सीधे, यही कपड़े पहन के स्टूडियो आ रखा था, यही कपड़े पहन के थोड़ा चोपता भी पहुँच गया। ये होती है यार देखो, लौंडे ऐसे ही तो होते हैं, हम लौंडे की यही खास बात है, एक पराठे में हम बिक जाते हैं सारे, लड़कों के प्लान ऐसे ही बनते हैं। सुबह दिन अच्छा लगा, 5 मिनट का प्लान बना, 1 घंटे में निकल भी गए घर से बाहर। चलो 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 चलो, ये रहा देखो पूरा दुबल बेटा का एरिया, हम इधर ही साइड रुके हुए थे, और यहाँ से बस ठीक ऊपर पे लगभग 6 किलोमीटर ऊपर चोपता। पहले तो सही था जब लास्ट टाइम में आया था, अभी ये सारे के सारी चीज़ें टूट रखी है, दुकानें वगैरह। आज हम लोग आपके साथ एक पज़ल खेलते हैं, ठीक है, आप ये बताओ कि ये वाली जगह जो है वो कुछ जानी बचानी लग रही है आपको, ठीक यही वाली जगह, अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट में बताओ, विनर को मेरी तरह से शाबाशी मिलेगी। जल्दी बताओ ये जगह कौन सी है, ये पूरा एरिया, ये इतनी बर्फ यार, ये है कि क्या है ये, क्या है ये, क्या थोड़ी ज़्यादा हो, इतनी सारी बर्फ़ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी यार। कितनी बर्फ़ है, इतनी तो मेरे घर के फ्रीजर में होगी। उम्मीद में तो यही थी कि ज़्यादा हो, या तो स्नोफॉल हो जाए, स्नोफॉल भी बढ़िया थी,
पर काहे का स्नोफॉल। खैर चलो यहीं थोड़ा आगे तक चलते हैं, इधर पे ही पार करेंगे और यहीं घूमेंगे थोड़ा। ये तो देखो तुंगनाथ जाने का मेन जो एंट्री गेट होता है, देखते क्या प्लान बनता है। चोपता की शान कितने प्यारे प्यारे है यार। हे अरे भाई दो 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 और बैठो दो। यहाँ देखो इन भैया लोगों को। घंटी कौन बजाएगा, तो बजाओ कोई। ये देखो फॉरेस्ट वाले यहाँ पे टिकट काट रहे हैं ऊपर जाने का, जो फीस होती है। पर हम लोगों को तो ऊपर जाना ही नहीं है, क्या करें बताओ। पहले पता है एक दो साल पहले जब मैं आता था तब कुछ नहीं था यहाँ पे, मतलब टिकट वगैरह नहीं काटता था फालतू का। अब देखो नहीं कोई वीडियो बनाने का ना तब 25,000 रुपए जुर्माना। आप मिनट रोगे? अरे यहीं के हैं यार, यहीं जेकब भाई जी ऊपर जाके कुछ नहीं करना होता। उसमें ड्राइवर आदमी यहां से जो एंट्री होगी ना ये सारे ड्राइवर आदमी इनके साथ आओ। चले गए आगे तो कभी चले गए यार। आपको ऊपर जाके ना तो कहीं आग जलाना है, ना प्लास्टिक फेंकना है, ना ही जो है दारू पीना है, ना ही उधड़न करना है, ना ही डीजे स्पीकर कुछ बजाना। जी जी सारे पे बैंड है, जुर्माना बहुत सख्त है। जो बाहर से आते हैं उनके लिए खास कर हम, जैसे मतलब सबके लिए, वैसे सबके लिए हो, क्योंकि कई लोग आते हैं दारू वगैरह पीते हैं, स्पीकर वगैरह तेज बजाते हैं, तो वो सब कुछ नहीं करना होता है, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हो। भाई क्या मतलब, वो मुझे बोल रहे बाहर के नहीं करते। अरे जब बाहर के कर रहे तभी तो बोल रहा हूँ। सपोज मानो मैं उत्तराखंड से हूँ और कोई कर रहा है ऐसी गलत हरकत, मैंने तो अभी तक कोई नहीं देखा फालतू का, ऐसा बहुत कम देख रहे होंगे अभी तो। पर ज़्यादातर जो वीडियो आती है हर साल की वो बाहर से ही आते हैं, क्योंकि बाहर वालों को नॉलेज नहीं होता, बस ये बोल रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं कि बाहर वाले करते यही सब है, उन्हें नॉलेज नहीं होता कि ये सब नहीं करना होता है ऐसे ऐसे। तो हम ऊपर से फिर नीचे आ गए, वहाँ का सिस्टम थोड़ा उल्टा हो रखा था। लोगों की भीड़ आती है, कपाट खुले रहते हैं तब एंट्री नहीं रहती है, और अभी एंट्री है जब ऑफ सीज़न है, जब 4-5 लोग आ रहे हैं, तो बिल्कुल ही उल्टा सिस्टम कर रखा है इन्होंने। फीस की, एंट्री फीस की भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। जब हम पहले भी आ रखे तो हमने पहले भी एंट्री फीस दे रखी है, पर अभी हमें जो ऊपर जाना ही नहीं था, ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि लेट भी हो रही थी जाने के लिए। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उनके लिए खास कर मैं बोलना चाहूँगा कि मंदिर वगैरह में जाके दारू वगैरह ना पिए। अब ये मत बोलना कि तीतर क्यों बन रहा है, अब तीतर की बात नहीं है, अगर तुम लोगों को पीना है तो जाओ पियो, वीडियो तुम्हारी भी बन जाएगी, ये कैसी कोई ना कोई बना देगा। लोगों की भावनाएँ होती है, सेंटीमेंट जुड़े होते हैं कईयों के उस चीज़ के साथ। मंदिर में जाके अगर तुम दर्शन करने जा रहे हो तो तुम्हारी कौन वीडियो बनाएगा ये बताओ, जब कुछ गलत ही नहीं कर रहे हो। बस कई लोगों को सिर्फ कमेंट करने आते हैं, इवन जो दारू वगैरह होती है इन सब चीज़ों में भी लोग गंदे गंदे कमेंट कर देते हैं कई बार कि तुझे क्या दिक्कत हो रही कि वो दारू पी रहे हैं। तो अरे तुम भी जाके पियो एक बार, तुम्हारी वीडियो बनेगी, तब बैठे रहना साइड में इधर ही आसपास, यहाँ पे हम फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएंगे। थोड़ा बर्फ़ में लगना तो चाहिए, अगर हम इतने दूर आ रखे हैं तो बर्फ़ में फ़ोटो क्लिक तो वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं से भी जाओ बस सही सलामत। ये देखो अभी हम यहाँ पे रुक रखे हैं, कोई जगह नहीं है, मतलब ऐसा कुछ पता नहीं है, बस सिर्फ बर्फ़ के चक्कर में हम रुक रखे हैं। और पहले ये लगा लो जो पीक्स वगैरह है सब में बर्फ़ पड़ी रहती थी, जितनी भी पीछे टकली टकली पीक दिख रही है। मौसम देखो कैसा हो रखा है, अरे भाई साहब रेनबो बन रखा है वहाँ पे। बस गाइस जितनी बर्फ़ मिली यही है, ज़्यादा नहीं है, बस आ गए। अरे कौन डाला सर पे? हाँ देखो भैया का स्नोमैन बन रहा है, क्या फायदा इधर कपड़े पहनने की बहन तुमने यार, और इधर अलग ही चल रहा है इन दोनों। गाइस हम फाइनली चोपता पहुँच गए इस बर्फ के लिए, देखो वो भी इतनी सारी गिरी है कि पूछो, इतनी सारी बर्फ मैंने जिंदगी में नहीं देखी, आखिरी बार सिर्फ अपने फ्रीजर में देखी थी मैंने इतनी बर्फ। देखो यही होता है जब आप बहुत टाइम के बाद बर्फ देखते हो बौखला जाते हो आप। क्यों मेरा छोटा सा वो है? अरे ये देखो हम चोपता से ज्यादा दूर तो गए नहीं थे, बगल में ही थे। ये वाली जगह बोल रहा था मैं चोपता की, बहुत सही लगती आ रही है, और साथ वाले तो बर्फ़ में खेल रहे हैं आगे पे जहाँ पे हमने बाइक पार्क करी थी। ये को अभी क्या मिला, ड्रोन पड़ा हुआ मिला यहाँ पे, ड्रोन से वीडियो बनानी है। जब तक प्रोपेलर नहीं लगे तब तो उड़ेगा कैसे, इतनी सी बर्फ़ में ही काम चलाना पड़ेगा, अब क्या करें। अरे 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 कैमरा तो नहीं टूटा है? ना ना देखो मतलब ये आप देख रहे हो ऐसे होते लौंडे,
मैं गिर गया और भैया ने पहले एक चीज क्या बोली, कैमरा तो नहीं टूटा। लड़का गिर गया कोई बात नहीं, लड़के को खून खराब हो गया कोई नहीं, पर कैमरा बच जाना चाहिए भाई। चोट थोड़ा लगती है इतने। ये तो गलत है, आप गिरी थे ना भैया। मैं बहुत गिरा हुआ आदमी हूँ जैकेट ना फटे। हाँ भाई देख रहा हूँ मैं, इसमें चिर रही जैकेट है। किसकी फटी? मेरे लग गई थी, बच गया। पर चलो 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 अब निकलते हैं यहाँ से। और आज एक चीज मजे की हो गई, मतलब हमारे साथ दो भाई और थे, आपने देखा था ना बुलेट वाले भाई, वो सुबह सुबह चले गए किसी रीजन की वजह से। हम आराम से वाला मजे करते हुए इधर आए, घूमे घामे फिर अब अपना श्रीनगर की तरफ। यहाँ पर था हमारा कैंप जाने का रास्ता, अच्छी जगह है, आप लोग भी आओ ट्राई करो एक बार, रुको यहाँ पे, हमें तो सही लगा। बाकी वैसे तो बतेरे भर रखे हैं यहाँ चोपता तुंगनाथ में कैंप्स वगैरह, कहीं पर भी जा सकते हो अपने ईस्ट के अकॉर्डिंग। वहाँ से देखो पूरा रास्ता न्यूट्रल में है, और ये वाला रास्ता जाता है, ये जाते हैं सारी विलेज के लिए, जो कि देवरिया ताल का रास्ता। अब यहाँ तो मैं आ रखा था, आपको पता ही है, आपने अगर देखा होगा वो लॉक शिवानसी के साथ आया था मैं, मतलब घूमे घामे इधर उधर आराम से एकदम चिल मार के आए, मतलब पूरा दिन एंजॉयमेंट में गया हमारा। भैया को लग गई है प्यास बड़ी तेज, अब वो ढूंढ रहे पानी 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 पानी। भैया यहाँ तो मत बोलो बोतल के लिए। ये मिले थे, पूछ रहे थे कि स्नो वगैरह दिख रही है, नम नम ना दूर दूर तक स्नो नजर नहीं आ रही। अरे भाई क्या, अरे गजब। सुन लिया, चाय पी रहे। ये वाली रोड वहां निकलती है वो भीरी में, अगस्त मुनि के आगे मकुवट, यही तो है मकुवट वाली। एक बार आया था मैं यहाँ से, गंदी भी है पर ठीक भी है, मजेदार रोड है। ये देखो अभी फिर दोबारा यहाँ पे चाय और पराठे आ गए थोड़े से। और ये देखो अभी हम मुख्य मठ पर रुके हुए थे इनके यहाँ, और यार क्या लोकेशन थी, गजब की बढ़िया लोकेशन थी, सीधे सीधे लेवल पे। अब यहाँ से हमें चलानी पड़ेगी, मतलब गियर मार के बहुत बहुत आराम हो गया, अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ से जो हमारे पीछे डोमिनार थी वो बनेगी गोली, बुलेट और स्प्लेंडर वाले भाई हम दोनों, हम तो आराम आराम से ही चल पाएंगे। अब मुँह में आ जा, पागल हो गया क्या? एक गड्ढे की कीमत ज़्यादा है बताओ हमारी जान से। अब डोमिनार वालों का एरिया आ चुका है, अब हमारा ख़त्म हो गया यार, शिट क्या करें हम। व्हाट इज़ दिस, क्या चल रहा है? हैं मंदिर के लिए जा रहा है। अच्छा ओके ओके, मतलब वो तो मुझे भी पता है कि मंदिर से रिलेटेड कुछ है, पर मुझे ऐसा नहीं पता कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। उन्होंने पेड़ पकड़ रखे हाथ में और कुछ कर रहे हैं। ये देखो बात करी थी मैंने, अब डोमिनार का एरिया स्टार्ट हो गया भाई, स्प्लेंडर तक आगे चली गई बताओ। ये तो ख़त्म है भाई ख़त्म। बुलेट नहीं रखने का मैं फेंक रहा हूँ मैं इसके बाद। अब वहाँ से कमेंट में चार पांच लोग कमेंट करेंगे, अब मेरे पे फेंको बुलेट। अबे मजाक कर रहा हूँ, बोलने की बात है यार। दो हज़ार 2019 से आ रहा हूँ, ये गड्ढा ऐसी कैसी है, पूरा ब्रह्मांड चेंज हो जाएगा, पर ये गड्ढा कभी नहीं होगा चेंज। तो मेरा तो नेक्स्ट स्टॉप इसके बाद श्रीनगर हो जाएगा, जहाँ पे मैं रुकूंगा। बाकी ये जो भैया लोग हैं इनको तो कोटद्वार जाना है, कोटद्वार श्रीनगर से ये लगा लो 4 या 5 घंटे का रास्ता मान के चलो। धारी देवी टेम्पल एंड वी आर बैक हियर। आशीर्वाद लेके गए थे ना, सब कुछ अच्छा हुआ, कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई, सब सही एकदम, ऑल गुड। अभी आए। अच्छा ठीक है। हेलो कैसे हो? क्या हेलो, नहीं नहीं ऐसे घूम रहा है, मुझे पता है, हमें दिखाई नहीं, अभी रुक रहा है, पता नहीं किस रहा है। चलो घूमो तुम क्या। हाँ और ये भैया के साथ वाले भी मिल गए ये दोनों। अच्छा वो आप तो बोल रहे थे एक ही भाई एक ही उससे हार गए। और देखो चलते चलते आकृति भी दिख गई हमें, एंट्री लेते साथ ही। और जो ये अभी दो भाई लोग एक्स्ट्रा दिखे ये तो आ रखे थे धारी देवी के लिए। NS 200 वाले फैंस जो भी है वो कमेंट करो नीचे, मुझे पता है आप में से बहुत सारे NS के फ़ैन हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ड्रीम बाइक होती है मेरे हिसाब से। तो बाकी
बाकी वो अलग चीज़ है कि 390 भी हो सकती है या फिर कोई और बाइक, बहुत सारी बाइक है पर कईयों को मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है यार ये बाइक। अरे ये तो मैं अब देख रहा हूँ इनके पीछे देखो कैन पाची जरा की स्क्वाड 9 एंड स्क्वाड 11 के कैप्टन है, किस किस को पता है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ये भी मुझे जल्दी से नीचे बताओ, नीचे जाओ मतलब नीचे मेरे नीचे नहीं जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ और वहाँ बताओ मुझे कैन पाची जरा की कौन से स्क्वाड का कैप्टन है। मैं यहीं पर देखो मेरा स्टॉप तो आ गया भाई, चलो तो ठीक है इनका भी टाइम हो चुका है जाने का और अब भैया लोगों से मिलेंगे कभी और। एयर प्रेशर चेक करा रहे भैया अभी। ओके बाय 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 बाय, आराम से आना। ओके हाँ तो यार देखो भैया लोग तो निकल गए अपने घर की तरफ जो कि है कोटद्वार, अभी उनका सफर 3 या 4 घंटे का और पड़ेगा, बाकी मैं तो अपने अड्डे पे पहुंच गया, मेरा बूट कैंप यहीं पर था। और अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा तो शेयर करना और मनीष भाई का चैनल भी चेकआउट करना उनके उसमें, क्योंकि अलग पर्सपेक्टिव से वीडियो डालेगी अगर आप लोगों को देखनी है, देखो जाके। मिलेगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।